हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरेंजी बुलबुले। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना और अपने 2 ईयर ओल्ड बेबी का इवनिंग रूटीन, और साथ ही बनाऊंगी मैं फलाहारी व्रत की थाली, क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं और मैंने पूरे फास्ट रखे हुए हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं बना रही हूँ अनी के लिए आटे का दूध वाला हलवा। ये बहुत ही हेल्दी होता है और बच्चों को वेट गेन करने में भी हेल्प करता है। अनी उठ के आ गए हैं सो के। हलवा हमारा रेडी है और इसको मैं गार्निश करूंगी ड्राई फ्रूट से। अनी का मन है कि मम्मा मेरे पास में बैठ के मेरे साथ अभी खेले। लेके चलो इसे, ठीक है, कल कर देंगे ना, अभी वो वाली एक्टिविटी कर लो। चाओ फिर यहाँ पे सब फैला दो। मेरी चाय भी रेडी है और अनी का हलवा भी रेडी है, तो अब हम बैठ के थोड़ी देर आराम से चाय पियेंगे और बेबी को हलवा खिलाऊंगी मैं। Thank you.
आज फिर से बारिश हुई तो मौसम ठंडा हो गया है और मौसम में काफ़ी चेंज भी हुआ है। बारिश और धूप की वजह से मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो मैं अनी को शाम में उसको फुल ड्रेस पहना रही हूँ ताकि वो घूमने जाए तो उसको मच्छर वगैरह ना काटें। अनी पापा के ऑफिस से आने के बाद डेली शाम में घूमने जाता है, अगर मौसम ठीक हो, बारिश ना हो रही हो तो। हनी चले गए हैं घूमने और मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने। डेली व्रत का खाना मुझे अपने लिए अलग बनाना पड़ता है, अनी के लिए अलग और उसके पापा के लिए अलग, लेकिन आज मैंने सोचा कि आज मैं सबको फलाहारी खाना ही खिलाऊंगी क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो बस यही सोच के आज मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी और कद्दू की सब्ज़ी। मिर्चे मुझे अलग से फ्राई करके डालना पड़ रहा है क्योंकि मैं और अनी मिर्चे नहीं खाते हैं और गौतम के लिए चटपटा खाना बनाना पड़ता है, उनके लिए अलग से मिर्चे डालनी पड़ती हैं। तो हमारी फास्ट की थाली बातों बातों में ही तैयार हो गई है। आ जाओ, जिसका भी व्रत है और जिसका व्रत नहीं है वो भी आ जाए। अनी और पापा भी घूमी घूमी करके आ गए हैं, उसके हैंड वॉश भी करा दिए हैं उसके पापा ने, और अब बेबी को भूख लगी है तो वो साथ में बैठ के खाना खाएगा। वहाँ पे कहाँ भूख हो रही है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।